मेरा नमस्कार, मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर और फेंगशुई मास्टर ज्योति अरोड़ा, और मैं हाजिर हूं इस खास प्रोग्राम गुड लक लाइफ में। बताने जा रही हूं आपके इस सप्ताह का भविष्यफल टैरो कार्ड्स की मदद से आपके सन साइन के अनुसार, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। चलिए शुरुआत करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि से। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ एरीज का। तो एरीज का पहला कार्ड निकल कर आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, जो कहता है कि ये सप्ताह फाइनेंसिस के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपका। आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा प्रॉस्पर करेगा, काफ़ी अच्छे रिटर्न मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। बिजनेस में आपका प्रॉफिट बढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। वहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, यानी कि जो चीज़ अब तक आप सोच रहे थे मूव नहीं कर रही, वो डिफरेंट वे में टर्न ले सकती है। और ये टर्न जो होगा ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, यानी कि इस समय आप दाव खेल सकते हैं। ये समय किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए अप्रोप्रिएट है, यानी कि अगर आप लॉन्ग रिस्क, कोई बड़ा रिस्क लेंगे तो हो सकता है कि बहुत बड़ा गेन आपको हो जाए, लेकिन अगर आप कैलकुलेटेड रहेंगे हो सकता है कि छोटे रिस्क पे, हाँ लेकिन रिस्क रिस्क है, तो चांसेस हो सकते हैं 99% चांसेस होंगे कि वो रिस्क आपके फेवर में जाए। वहीं तीसरा कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का निकल कर आता है, जो बताता है कि आपको अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा कटु शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आपकी कटुता आपके रिश्ते ख़राब कर सकती है, आपके अपनों से आपके संबंध बिगाड़ सकती है। आपको लोग समझ सकते हैं कि आप बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना, बहुत ही कड़ूस किस्म का इंसान है, इस तरह की ओपिनियन आपके बारे में बन सकती है। तो आपको लोगों से विनम्र होकर बात करनी चाहिए, और आपको ध्यान देना होगा कि जो आपके अपने रिश्ते हैं, आपके भाई बहन का रिश्ता, आपकी सहेली के साथ या आपके दोस्त के साथ आपका रिश्ता, ये सब रिश्ते विनम्रता के आधार पर ही चल सकते हैं। तो आपको अपनी वाणी में मधुरता लाने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए इस वीक का ओरेकल एडवाइस कार्ड मैं आपके लिए निकालती हूँ। तो आपका कार्ड निकल कर आता है ट्विन फ्लेम, यानी कि अगर आप किसी सवाल में जूझ रहे हैं या किसी समस्या में है, तो वो आपका रिलेशनशिप संबंधित अगर मैटर है तो वो मैटर आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, यही कहता है मेरा इस वीक का ओरेकल एडवाइस कार्ड। अब बात करते हैं दूसरी राशि की। दूसरी राशि है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ। तो ऋषभ राशि वालों के लिए जो कार्ड निकल कर आते हैं उसमें पहला कार्ड कहता है टैरो कार्ड्स का, जो कहता है कि आपका बहुत ही अच्छा समय बीतने वाला है अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, और कुछ ऐसा ओकेजन भी हो सकता है कि आप सब लोग सम्मिलित हों, किसी अच्छे समारोह का पार्ट बने। वहीं दूसरा कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आपको काफ़ी वाहवाही मिलती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न अर्न करेंगे, साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ा बिजनेस डील भी हो सकता है आप लोगों का, और हो सकता है अगर आप जॉब करते हैं तो आपको बड़ा इंसेंटिव मिल जाए, या कोई कंपनी का कोई बोनस अनाउंस हो जाए जो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। वहीं हीरोफेंट का कार्ड ये बताता है गुरुओं के आशीर्वाद के साथ साथ जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं उनकी अरेंज्ड मैरिज होने का, एक ट्रेडिशनल वे में शादी होने का योग बनता है आप। और आप लोगों के लिए टॉरस राशि वालों के लिए और एकल एडवाइस कार्ड भी मैं निकालती हूँ। तो आपका कार्ड निकल कर आता है सेलिब्रेशन, यानी कि जो पहला मैंने कार्ड भी निकाला, यानी कि परिवार फ्रेंड सबको मिला जुला कर आप कुछ सेलिब्रेट कीजिए, किसी समारोह का आयोजन कीजिए। ये सप्ताह सेलिब्रेशन करने के लिए ही उपयुक्त है आप लोगों के लिए। अब है तीसरी राशि। तीसरी राशि है जैमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो चलिए मिथुन राशि के लिए मैं तीन कार्ड्स निकालती हूँ, देखती हूँ क्या कहते हैं मेरे टैरो कार्ड्स। मिथुन राशि वालों के लिए निकल कर आता है कि हो सकता है कि कोई एक झटका लगे, कुछ आपका एक प्लान हॉल्ट हो सकता है, कोई आपने कोई प्लानिंग की हो वो प्लान आपका डिस्टर्ब होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन जहाँ एक प्लान डिस्टर्ब होगा वहाँ आप अपनी चतुराई से, अपने टैलेंट से सब चीज़ें संभाल लेंगे। आप इतनी अच्छी तरह से चीज़ों को संभालेंगे कि सारी चीज़ें अपनी जगह पर आ जाएंगी, और आप जैसे चाहेंगे लोग वैसे ही आपके साथ पेश आएंगे, और वही होगा जो आप करना चाहते हैं। तीसरा कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कहता है कि नेम फेम के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है, आपका रुतबा बढ़ेगा, लोग आपकी सराहना करेंगे, और आप अगर किसी महफिल में जाएंगे तो महफिल की शोभा आप ही बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। चलिए आपके लिए इस सप्ताह का और एक एडवाइस का जैमिनी राशि वालों के लिए मैं निकालती हूँ। शील्ड योरसेल्फ यानी कि सबसे पहले दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, दूसरों की मदद करिए, लेकिन उससे पहले अपनी खुद की सुरक्षा कीजिए, यानी कि सबसे पहले अपने ऑरा को, अपने खुद को प्रोटेक्ट करके चलना आप लोगों के हित में होगा। अब है अगली राशि। अगली राशि है कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो कर्क राशि के लिए मैं टैरो कार्ड्स निकालूं, तो
कार्ड्स मुझे कहते हैं, एक तो आपको अपने लवर का संदेश मिलता हुआ नज़र आ रहा है अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, वहीं अगर आपका रिलेशनशिप नहीं है तो कोई एक प्रिय समाचार आपका मन बहुत ही प्रफुल्लित कर सकता है, ऐसा दिखता है मुझे, कहता है प्रिंसेस ऑफ हार्ट्स का कार्ड। वहीं दूसरा कार्ड एम्प्रेस का कार्ड बहुत ही अच्छा है फैमिली मैटर्स के लिए, यानी फैमिली प्लानिंग अगर आप कर रहे थे तो आपको मिल सकती है कंसेप्शन ऑफ ए चाइल्ड की गुड न्यूज़। वहीं परिवार में सब कुछ संपन्न रहेगा, बच्चों के साथ आपका समय काफ़ी अच्छा बीतता हुआ नजर आ रहा है। एक प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीक, बट ट्रबल हैज़ कम टू गो, यानी कि आपको छू कर निकल जाएगा ये ट्रबल, ऐसे में आप घबराइए मत और बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव होकर मत बिहेव कीजिएगा, यही आपके हित में होगा। चलिए अब इस वीक का ओरेकल एडवाइस कार्ड देखती हूँ। आपके आपके लिए निकल कर आया कैंसल क्लियर एंड डिलीट, यानी कि जो पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उनको याद रखिए, जो नेगेटिव चीज़ें हो चुकी हैं और आपको डिस्टर्ब करती हैं उन्हें अपने सिस्टम से, अपने खुद के जिसे बोलते हैं ना खुद के माइक्रोचिप से कैंसिल कीजिए, क्लियर कीजिए और परमानेंटली उनको डिलीट कीजिए। इसी से आप नई चीज़ों की, जैसे कहते हैं ना कि पुरानी चीज़ों को अगर आप डिलीट करेंगे तभी आप नया नया नई अपनी स्याही से कुछ और लिख सकते हैं, तो आपको डिलीट करना होगा अपना बैड पास्ट। अब है अगली राशि का टाइम, अब हम बात कर रहे हैं लियो की। तो लियो यानी कि सिंह राशि के लिए अगर मैं कार्ड निकालूं तो सिंह राशि का पहला कार्ड तो निकल कर आता है डेविल का, जो कहता है बुरी नज़र से बच के रहिए, यानी कि किसी से बात करने से पहले आपको ये देखना है कि सामने वाला आपके लिए कितना पॉजिटिव है। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी नेगेटिव व्यक्ति के संपर्क में इस सप्ताह आ सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपके बने बनाए काम बिगड़ जाए, ऐसे में नज़र उतारना बहुत अच्छा रहेगा। अपने घर में अगर कोई बड़े बूढ़े हैं उनसे आप बोलिएगा कि आपकी नज़र उतारे, अगर आपको नज़र उतारनी नहीं आ रही है तो एक नारियल लेकर अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 बार वार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देने से भी आपको इस बुरी नज़र से छुटकारा मिल सकता है। वहीं दूसरा कार्ड द फूल का रिलेशनशिप में बताता है कि रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये रोमांटिक रिलेशनशिप एकदम टीन एज लव की तरह आपको बहुत ही हैप्पी मूड में लग रहा है। वहीं तीसरा कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का ये बताता है कि आपका बॉस आपसे काफ़ी खुश है क्योंकि आपने काम में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियर इंडिकेशन देता है कि अब आपकी प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ते हैं। और आपके लिए इस वीक का ओरेकल एडवाइस कार्ड भी मैं निकालती हूँ, तो आपके लिए निकल कर आया थर्ड आई चक्र, यानी कि जो थर्ड आई चक्र है उसको चक्र को ओपन कीजिए। थर्ड आई चक्र होता है यहाँ आपके फोरहेड पे, आपकी दोनों भौहों के बीच में, और ये जो चक्र है ये आपको विजन देता है, फ्यूचरिस्टिक विजन। इसको आपको इम्प्रूव करने के लिए आप एमेथिस्ट क्रिस्टल भी धारण कर सकते हैं, उससे भी थर्ड आई चक्र की ओपनिंग होती है। अदरवाइज अपनी आईज क्लोज करके आप इमेजिन कीजिए दिस इज स्मॉल लोटस हेयर एंड यू आर जस्ट ओपनिंग इट, आप उस लोटस को ओपन कर रहे हैं। ऐसा करने से आपको इस थर्ड आई चक्र को ओपन करने में हेल्प मिलेगी, जिससे कि आपकी दूरदर्शिता बढ़ेगी। अब करते हैं अगली राशि का रुख। अगली राशि है वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो कन्या राशि के लिए जो कार्ड्स निकल कर आते हैं, चलिए मैं निकालती हूँ कार्ड। तो कन्या राशि के कार्ड्स कहते हैं पहली बात तो ये कि आपकी किसी से तू तू मैं होती हुई नजर आ रही है। आपको ध्यान देना होगा कि किसी से झगड़ा ना हो, झगड़े से बच के रहना आपके हित में होगा। वहीं फाइव ऑफ हार्ट्स का कार्ड ये बताता है कि आप अपने घर में किसी से नाराज हो सकते हैं और हो सकता है कि आप का जिससे लव रिलेशनशिप चल रहा हो आप उनसे बिना बात पे नाराज़ हो जाएं और आप बोलें कि चलिए मुझे कांटेक्ट ही नहीं करना, मुझे बात ही नहीं करनी, लेकिन ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है जो कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि आप मेकअप कर लेंगे। वहीं तीसरा कार्ड प्रिंसेस ऑफ वांड्स का कहता है किसी जॉब से रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ मिलेगी जो आपके करियर को आगे बढ़ाने में सहायक होगी। और आपके लिए इस वीक का ओरेकल एडवाइस कार्ड मैं निकाल देती हूँ। आपके लिए जो कार्ड निकल कर आया है बुक्स, यानी कि जो ज्ञान आप ढूंढ रहे हैं इधर उधर, इस सप्ताह आपके लिए मिलेगा आपको किसी बुक के अंदर। तो आप अपनी नियरेस्ट लाइब्रेरी को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर जाकर किताबें पढ़िए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। अब करते हैं अगली राशि करो। अगली राशि है तुला राशि। तो तुला राशि के लिए टैरो कार्ड्स मैं निकालती हूँ। तुला राशि के लिए जो कार्ड्स निकल कर आते हैं वो कहते हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आप ओवर एग्जर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका लोड ऑफ एम्बिशन बहुत हाई है आपके ऊपर, और ये जो है एक तरह से करियर के लिए अच्छा भी है, लेकिन आपको अपनी सेहत का साथ में ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ, टेम्परेंस का कार्ड दूसरा निकल कर आया है, बताता है कोई कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, कोई बिजनेस डील क्लोज होती हुई नजर आ रही है, ये काफ़ी अच्छा कार्ड है।
अच्छा, काफी लोग जो अब तक अविवाहित है शादी के बारे में सोचे थे, उनका मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरकास्ट मैरिज का योग बनता है, और इंटरकास्ट मैरिज भी हो सकती है, या फिर अगर आप दोनों के इकोनॉमिक लेवल्स में काफी अंतर है तो भी ऐसी मैरिज होती हुई नजर आ रही है, यानी कि अलग अलग स्तर के लोगों का मिलन मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि फाइनेंसिस के मामले में अच्छा रहेगा, अच्छी अर्निंग होगी, लर्निंग होगी, ओवरऑल देखा जाए तो काम के हिसाब से ये सप्ताह बहुत ही उपयुक्त है आप लोगों के लिए। चलिए, इस वीक का ओरेकल एडवाइस कार्ड भी मैं आपके लिए निकालती हूँ। तो आपके लिए निकल कर आता है रेजिंग योर स्टैंडर्ड्स, यानी कि अब आपको अपना जीवन स्तर बेहतर करने की ज़रूरत है, और अगर जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए आपको कुछ खर्चे भी करने पड़े तो आप कीजिए, यानी कि अगर आपको ये गाड़ी इंप्रूव करके बेटर गाड़ी लेनी पड़े तो आप बेटर गाड़ी लीजिए, अगर आपको बेटर क्लोथिंग लेनी पड़े तो बेटर क्लोथिंग लीजिए। ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपना जीवन स्तर को सुधारने के लिए कुछ खर्चा करने की ज़रूरत है। अब करते हैं अगली राशि का रुख। अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के लिए चलिए मैं यहाँ से तीन कार्ड्स निकालती हूँ। वृश्चिक राशि के लिए जो पहला कार्ड निकल कर आता है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का, वो क्लियरली ये बताता है कि आपको आपके टैलेंट की वजह से मिलेगी सराहना, और आपका वर्क प्लेस पे काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। वहीं चैरियट का कार्ड ये बताता है कि अगर आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे थे तो ट्रैवलिंग के लिए समय बहुत उपयुक्त है, इस वीक कोई ट्रैवल प्लान बना सकते हैं आप। वहीं फाइनेंसिस के मामले में फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बताता है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा खर्चीले हैं अगर, तो इस सप्ताह आप कैशलेस सिचुएशन में जा सकते हैं, यानी कि ये सप्ताह खर्चने के लिए नहीं है, सेव करने के लिए आपके लिए एडवाइजेबल है। चलिए, आपके लिए इस वीक का ओरेकल एडवाइस कार्ड मैं निकालती हूँ। तो आपके लिए ये निकल कर आता है विजुलाइज सक्सेस, यानी कि आपको अपनी विजुलाइजेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी कि जो आप विजुलाइज करेंगे वही आपको मिल जाएगा। अगर आप सक्सेस विजुलाइज करेंगे तो देखिएगा बहुत ही शीघ्र आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब है अगली राशि। अगली राशि है सैजिटेरियस, यानी कि धनु राशि। तो धनु राशि के लिए जो तीन कार्ड्स मैं निकालती हूँ, धनु राशि का बहुत सुंदर कार्ड्स निकल कर आए हैं। पहला कार्ड निकल कर आया है एट ऑफ वांड्स का, जो कहता है कि कुछ ऐसा मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट जो आपके जीवन में हुआ है वो मूवमेंट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, या फिर मैं ये कहूँगी कि अगर किसी डिफरेंट स्टेट से आपका कोई कम्युनिकेशन हुआ है, किसी डिफरेंट डिफरेंट लेवल के व्यक्ति से, डिफरेंट स्तर के व्यक्ति से अगर आपका कोई कम्युनिकेशन होगा तो वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। एट ऑफ वांड्स का कार्ड ये बताता है कि लव रिलेशनशिप में आप बहुत पैशनेटली इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ये इन्वॉल्वमेंट सिर्फ आपका नहीं होगा, आपके पार्टनर का भी होगा। वहीं थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है कि आपका रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ, अपने लवर के साथ बहुत अच्छा रहने वाला है, और रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल तक जाती हुई नजर आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स का तीसरा कार्ड फाइनेंसिस के मामले में अच्छी इंडिकेशन दे रहा है, यानी कि ये सप्ताह धन प्राप्ति का योग बनता है आप लोगों के लिए। आपके लिए इस वीक का ओरेकल एडवाइस कार्ड मैं निकालती हूँ। तो आपका निकल कर आया है राइज अबव प्रॉब्लम्स, यानी कि जीवन में प्रॉब्लम सबके हैं, लेकिन अब आपको इन प्रॉब्लम से ऊपर उठकर जीवन को डिफरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत है, यानी कि माइक्रो लेवल पे ना देख के आप, जैसे आप माइक्रो लेवल पे देखते हैं, आप देखिए बिग 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 पिक्चर देखिए, बिग पिक्चर आप देखेंगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम बहुत छोटी नज़र आएगी। जब आप ऐसा करेंगे तो देखिएगा कि आपकी प्रॉब्लम कैसे एलिमिनेट हो जाती है आपके जीवन से। चलिए, अब रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है मकर राशि, यानी कि कैप्रिकॉर्न। तो देखती हूँ क्या कहते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए मेरे टैरो कार्ड्स। तो टैरो कार्ड्स ये बताते हैं कि आपका कुछ ऐसा मौका, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कोई सेलिब्रेशन या फिर कोई वैकेशन आपकी मुझे नज़र आ रही है। आप किसी वैकेशन पर जा सकते हैं जहाँ पर आप काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं, और ये एंजॉयमेंट दोस्तों के साथ भी होगा या परिवार के साथ, दोनों के साथ आपका हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जॉयफुल वीक है आप लोगों के लिए। वहीं अगर मैं आप वर्क प्लेस की बात करूँ या आपके बिजनेस की बात करूँ, तो अभी प्लानिंग का समय है। अभी आपको अपने काम को आपको किस स्तर पर लेकर जाना है, उस स्तर पर ले जाने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है, और ये प्लानिंग आपके लिए इसी समय में होनी चाहिए। यानी कि ये जो समय है ये प्लानिंग का है, एक्शन का नहीं है, एग्जीक्यूशन का नहीं है। वहीं तीसरा कार्ड एट ऑफ हार्ट्स का बताता है आपके जीवन में जो नया रिश्ता जुड़ा है ये आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आएगा। ये नया रिश्ता जो भी आपके जीवन में जुड़ा है, वो एक संतान के रूप में हो सकता है, या आपके परिवार में किसी की शादी हुई, आपका कुल मिला के देखा जाए बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट होने वाला है इस न्यू रिलेशनशिप जो आपके जीवन में एंटर की है इससे। तो चलिए, इस वीक का ओरेकल एडवाइस कार्ड भी मैं आपके लिए निकालती हूँ। तो ओरेकल एडवाइस कार्ड निकल कर आया है कि आपने अभी एंजल्स से हेल्प मांगी है,
अगर नहीं मांगी तो मांगिए, वो आपकी समस्या में आपका समाधान करने के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये निकल कर आया है आप इसका सब, मतलब जो आपका ओरेकल एडवाइस कार्ड है, यानी कि खुद फरिश्ते आपकी मदद करना चाहते हैं, बस आपको मदद मांगने की ज़रूरत है। अब रुक करते हैं अगली राशि का। तो अगली राशि है एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए जो मैंने कार्ड निकाले हैं, पहला कार्ड निकल कर आता है किंग ऑफ हार्ट्स का, जो बताता है आपका इमोशनल स्टेट काफ़ी ज़्यादा हावी रहेगा आपके ऊपर। आप बहुत भावुक रहने वाले हैं, आपका जो जैसे बोलते हैं ना, बहुत बैलेंस नहीं है इस सप्ताह, आप इमोशंस में डूबे हुए हैं, हर समय इमोशनल बातें करना, इमोशनल चीज़ों की तरफ रुझान रखना। तो आपका ये हो सकता है कि अगर आप मूवी भी चूज़ करें तो बजाय इसके कि आप कोई थ्रिलर चूज़ करें, आप बोले नहीं मेरे को तो एक इमोशनल मूवी देखनी है और इसमें आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे। वहीं सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक गुड न्यूज़ देता है, एक सक्सेस दिलाता है, ट्रायम्फ का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि और सिचुएशन में भी आपको विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं तीसरा कार्ड द लवर्स का ये कहता है कि आप किसी दुविधा में पड़ सकते हैं, आप किसी ऐसी सिचुएशन में घिर सकते हैं जहां आपके लिए दिल और दिमाग की जंग हो। एक रिलेशनशिप से रिलेटेड भी बात हो सकती है या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां आपको अपने काम से रिलेटेड कोई मेजर डिसीजन लेना पड़े, लेकिन ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में आपको ईश्वर को रात को सोने से पहले आपको रिक्वेस्ट करनी होगी। चलिए आप अपने एंजल्स को रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ हेल्प मी टू टेक अ राइट डिसीजन। अगर आप बार बार अपने एंजल्स को ये बात बोलेंगे तो वो आपको सुबह जब आप उठेंगे तो आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफी बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे बजाय इसके कि आप खुद अपने आप डिसीजन मेकिंग करें। चलिए आपके लिए इस वीक का ओरेकल एडवाइस कार्ड हार्ट चक्रा, यानी कि हार्ट चक्रा हमारा जो यहाँ पर होता है, हार्ट चक्रा से हम एनर्जीज रिसीव या गेन करते हैं, यानी कि किसी से भी हमारा संपर्क होता है तो सबसे पहले हम हार्ट चक्रा से एनर्जीज को रिसीव करते हैं। तो आपका हार्ट चक्रा आपको ओपन करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप एक रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहन सकते हैं, या फिर आप इसके लिए रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का आप पेंडेंट पहन सकते हैं, या ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या अपने आसपास रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को काफ़ी डेकोरेट करते हैं। रोज क्वार्ट्ज पिंक कलर का ऐसा क्रिस्टल होता है जैसा कि मैंने भी धारण किया हुआ है, इस क्रिस्टल से आपको होगा काफ़ी लाभ। चलिए अब रुक करते हैं आखिरी राशि का। आखिरी राशि है मीन राशि। तो मीन राशि के लिए क्या कहते हैं मेरे टैरो कार्ड, चलिए अब ये देखते हैं। तो मीन राशि के लिए जो तीन टैरो कार्ड्स निकल कर आए हैं, पहला कार्ड ये बताता है कि आपको अपने संवादों को सोच समझ के यूज़ करने की ज़रूरत है। आप किसी के साथ ज़रूरत से ज़्यादा हार्श होंगे तो आपका रिश्ता परमानेंटली ख़राब हो जाएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपनी वाणी में मधुरता लाने की ज़रूरत है। आपकी वाणी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी शायद किसी के साथ, जो कि इस समय इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए किसी के साथ कटु वचन बोलना। वहीं दूसरा कार्ड नाइन ऑफ हार्ट्स का बहुत ही अच्छा कार्ड निकल कर आया है, जो मुझे लगता है कि आपको किसी से कुछ उपहार मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप किसी को एक गिफ्ट देंगे तो दो गिफ्ट आपको रिटर्न में मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि गिफ्ट लेने देने के लिए आप लोगों के लिए, मीन राशि वालों के लिए, ये सप्ताह काफ़ी उपयुक्त है। वहीं किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो मेंटोर हैं, उनका मिलेगा आपको सपोर्ट। आपके पिता भी हो सकते हैं जिनसे आप गाइडेंस लेते हो, या आपके बड़े भाई, या आपके एक्स बॉस, या आपके एग्जिस्टिंग बॉस, ऐसे व्यक्तियों का आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा समर्थन, और ये समर्थन आपके करियर को राइट शेप देने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये आपके लिए था इस वीक का ओरेकल एडवाइस कार्ड। निकालती हूँ मैं आपके लिए जो निकल कर आया है कट योर कॉर्ड्स, यानी कि कुछ अवांछित लोग, कुछ अवांछित सिचुएशन जो आपके जीवन में हुई थी, उन्होंने आपके साथ अभी भी अपना नाता जोड़ा हुआ है। आपको क्या करना है कि ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ का हायर पर्पस सॉल्व नहीं करती, उनसे अपना संबंध विच्छेद करना है। आपको हर तरह से अपने संपर्क तोड़ देने, यानी कि अगर किसी व्यक्ति से आपको नेगेटिविटी मिलती है तो आप आज डिसीजन लीजिए कि मैं इस व्यक्ति से अपने संपर्क हमेशा के लिए तोड़ दूंगा या तोड़ दूंगी। ऐसा करने से आपको छुटकारा मिलेगा हर तरह की नेगेटिविटी उस तरफ से आती हुई से, और आप अपने जीवन को किसी नई दिशा में ले जा सकते हैं जहां पर आप उसे बेहतर दिशा की और मतलब बेहतर बना सकते हैं। तो ये निकल कर आया है आपके ओरेकल एडवाइस कार्ड में। तो ये था इस सप्ताह का आपका जो है भविष्यफल टैरो कार्ड्स की मदद से। चलिए अब आपको मैं बता देती हूँ कि इस वीक का, इस पूरे सप्ताह का कलर ऑफ द वीक क्या है। कलर ऑफ द वीक है ब्लू, और एलिमेंट ऑफ द वीक है वाटर। और इस एलिमेंट को कंप्लीट करने के लिए आप ब्लू कलर के कपड़े पहन सकते हैं,
या फिर अपने साथ वाटर बॉटल रख सकते हैं। कहीं पर भी जाएंगे तो वाटर कैरी कीजिए, और अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं वाटर नहीं कैरी कर सकते तो हल्का सा पानी का छींटा अपने ऊपर मार लीजिए, ताकि वाटर एनर्जी आपको मिलती रहे, ताकि आपका ये सप्ताह आपके लिए हो जाए एक लकी सप्ताह। तो इन्हीं स्पेशल टिप्स के साथ, इसी फॉरकास्ट के साथ मैं आपसे दूंगी इजाज़त। नमस्कार।